लोग मोबाइल छीन ले बा आ स्विच ऑफ कर दिले बा, रात भर हम फोन कर ले बानी आ सुबह मुँह आके डायरेक्ट फोन कर दिले बड़ लोग कि बबी तू अपना पापा के भेज ब्रजेश बाबू मर गए बा। वही गरीब के सहारा देवे वाला पुलिस दरोगा नहीं खे, ऐसे जब घटना भइला पर लोग ही बा आई खबर दिया ज़्यादा चार घंटा के बाद आ गोइल कहत के बा ठीक है लाश उठाइए अब सलट लेगा। ए बहन चोद का सलटेगा आपको, सबको न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? दोस्तों अभी हम पश्चिमी चंपारण के चनपटिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ओझा टोला जबदौल गांव में वार्ड नंबर 12 में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक जो भीड़ लगा है कोई साधारण सा भीड़ नहीं, यहाँ पे एक लड़का का हत्या हुआ है, वो भी बेरहमी तरीके से हत्या किया गया है। लड़का का नाम ब्रजेश कुमार राम होता है, वो अपने ससुराल जाता है तदवानंदपुर थाना बैरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत, उनका ससुराल अपने जाते हैं और ससुराल जाने के दो दिन बाद उनका जो है गाला घोट करके हत्या कर दिया जाता है। यहाँ पे तमाम भीड़ है और इस घटना के बारे में और विशेष हम जानकारी लेंगे यहाँ के पीड़ित फैमिली से, बहुत बेरहमी तरीके से जो उनका गाला घोट करके मौत के घाट उतार दिया गया है। आइए, इनके पिताजी है और इनके माँ है और भी तमाम ग्रामीण लोग भी है, तो इनके पिता जो सबसे पहले हम घटना के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ चीज आपका? बिगन राम। आपके लड़का का जो है गाला घोट करके हत्या कर दिया गया है, ये घटना के बारे में कैसे क्या हुआ था? उनका भाई जो ये घर से बुलावल लो दीपावली के बिहान भाई ससुराल वाले उनका सास ससुर बुलावले लो, उनकर पत्नी भी बुलावली जे आई यहाँ ब्याह के न्योता उटा बाटे के बा कारोबार मने बाजार बड़ बाजार करे के बा गैले तो बाद में क्या कैले बैलो मैंने दू तीन दिन रखले बड़ी लो दू तीन दिन रखले बैलो और उनका पत्नी भी आ मैंने ओकरा के झगड़ा फंसा दिले बिया। मतलब झगड़ा फंसा क्या चीज़ का झगड़ा फंसा? झगड़ा फंसा दिले बिया तो वही कोई लड़का से मैंने मिले तो बिया। अच्छा, वो लड़की का जो है किसी दूसरे लड़का से जो अफेयर चल रहा था? हाँ हाँ, दूसरे लड़के से फेयर चलते बा, ओकरे बाद में देख ले बड़े देखला के बाद में मैंने उससे मैंने अच्छा मैंने वो लड़की जोन बात दूसरे लड़का से बात करत मेरा वो लड़का देख ले बड़े ओकरा बाद में झगड़ा दन भाई बा ओकरा बाद में रात के अपन लड़का के छठ के पारने के दिन 3 बजे भोर में मार दिले बा। देखिए ये वो जो लड़की थी किसी दूसरे लड़का से जो है अफेयर चल रहा था उसी में इनके लड़का जो है देख लिए और बोले तो वो लड़का का जो है बुला करके छठ के पारना के दिन शाम में जो है कितने बजे का ये घटना हुआ था आपको पता है? 3 बजे मतलब भोर में 3 बजे भोर में जो है गाला घोट करके इनके लड़का का जो है हत्या कर दिया गया है। इनकी माँ भी है, अब क्या पूछे इनकी माँ से? इनकी लड़का जो है इनका एक समांग दिन के छठ के दिन है दिन में धमकी भी दिले बैलू हमरा के वो लड़की के मतारी ना छठे के दिन है 10-11 बजे धमकी दिले बड़ी। क्या धमकी दिया गया है? धमकी दिले बड़ी कहतारी हमें से फोन करके जे रु अपने लड़का के समझाई आ ना समझिए तो हमारे माथा पागल हो गए बा, ना समझिए तो उनका हम समझा दे। मतलब काहे के लिए समझाई? मतलब का रहो लड़का का कह ले रहे हैं जो समझाओ के कौन ये बतिया खोज ले रहा लड़की के विषय में देख ले तो खोज ले रहा। अब देखिए उनकी लड़की किसी दूसरे लड़का से बात कर रही है और उसमें जो है लड़का खोज दिया वो भी उनको उनके पति थे तो उनकी जो सास है इन लोग को धमकी दे रही है कि अपने लड़का को समझा दीजिए नहीं तो मेरा माथा पागल हो गया है। अब माथा पागल क्या हो गया कि उसका जो हत्या कर ही दिया, अभी तक इन लोग को न्याय मिला या नहीं मिला ये बताइए। आप लोग थाना पे आवेदन दिए? हाँ। तो अभी थाना के तरफ से क्या रिस्पॉन्स? कुछ नहीं मिला। देखिए कहते हैं दोस्तों कि हमारे बिहार में आए दिन ऐसा घटना देखने को मिलता है, आपके लड़का का जो हत्या होने के बाद में कितना देर बाद थाना पहुंचा वहाँ पे? 11 बजे 3 घंटे के बाद। देखिए कहते हैं कि हमारे बिहार में शराब बंद है लेकिन शराब की बोतल एक दिख जाए तो प्रशासन कुत्ता की तरह दौड़ कर आती है, लेकिन ऐसे ऐसे घटना में जो है प्रशासन नहीं आती है। इनका लड़का का जो है हत्या हो गया है, इनका एक जो सवांग उजड़ गया है लेकिन फिर भी प्रशासन इसमें एक्शन नहीं ले रही है। इनकी माता है, इनकी माता सब हम क्या बात करें? चाची कुछ बोल सकते नहीं, नहीं देखिए उनकी माँ है और बेटा का दर्द जो माँ ही समझ सकती है ये बोलने के लायक भी नहीं है, लेकिन खैर यहाँ पे और भी तमाम ग्रामीण लोग भी है उन लोग से भी हम जानेंगे। हालांकि लड़के का जिनका हत्या हुआ है उनकी ये बहन है इनसे भी हम बात करेंगे। आपके वो बड़े भाई हैं जी, आपके बड़े भाई यहाँ से जो अपने ससुराल गए तो उनके पहले आप फ़ोन आया था या अपने मन से गए थे? ना वो फोन कर ले लो जे मतलब शादी पड़ल बा आवे के बाटे नौता घुमा जेठ ये रहा दमाद में आ जेठ वो रही है
आवे के बाटे नौता उता घुमा के बाद पहले बोला के ले गलन तो अच्छा से रख ले लो नीमन से रख ले लो ओकर बाद महिला के बाद में इनकरा सामने ही 2 लाख रुपया उलो मांग के धैले बा शादी के नाम पर कि शादी बाटे इनकरा सामने ही पैसा लिया के धो ले बड़े लो ओकर बाद में खूब गरेस कैले बड़े लो फोन कके रहुआ आवे के बाबू रहुआ कार्ड उड बाँटे के बा गैल बड़न ओकर बाद में छठ के दिन हमारे लगे फोन कैलन हमारे मोबाइल पर कि बाबी ऐसे ऐसे बात करता रहो घर में राय करता रहो हमारे मुँह आवे खातिर राय करता रहो हम कहीं ठीक है भैया तू भाग आव भागियो के चल आव तो ओकरा बाद अच्छा आपके भैया को जो मारने की प्लानिंग हो रही थी तो उनको पता था आप लोग से बोले भी थे? हाँ हमारा देखिए इनके भाई को जो है मारने का प्लानिंग चल रहा था तो इनके भाई घर पे फोन करके बोले भी थे तो ये जो है इनकी बहन है छोटी बहन है ये बोली भी थी कि आप घर चलाइए आगे बताइए तो उ लोग कहनी कि तू तू भाग आव तो उ लोग का ले लो सुनले बड़े कि बात करता रहन घर पे कहता रहन तो उ लोग मोबाइल छीन ले बा आ स्विच ऑफ कर दे बा रात भर हम फोन कर ले बानी आ सुबह मुँह आके डायरेक्ट फोन कर दे बड़े लोग कि बबी तू अपना पापा के भेज ब्रजेश बाबू मर गए बड़न। देखिए इनके भाई को जो है मार करके उसके बाद इनके घर फोन किया गया कि कर रहा है लोग कि हाँ आपके भाई को जो है हम लोग मार दिए हैं आप लोग आइए। अभी तक इन लोगों को जो है थाना के तरफ से जो अभी तक प्रशासन इन लोगों को कोई न्याय नहीं दिला रहा है। हालांकि ये चाचा बोल रहे हैं कि 2 लाख रुपया देकर के हमारे केस को जो है दाब दिया गया ये कहां तक सही है? अभी हम आपसे बता रहे हैं कि शराबबंदी है लेकिन शराब के बोतल कहीं भी दिख जाए तो प्रशासन जो है दौड़कर कुत्ता की तरह आती है लेकिन ऐसा घटना घट जाता है वहाँ पर प्रशासन जो है घूस लेकर के इस केस को दाब देती है। इनका एक लड़का था उसको जो है गला घोट करके मार दिया गया है अभी क्या करेंगे? अब न्याय के लिए ददर की ठोकरें खा रहे हैं। चाचा आपका न्याय नहीं मिलेगा आप क्या कीजिएगा? न्याय ना मिल रहा तो वह क्या करें? तो हम तो हमारा तो न्याय ना मिली तो हम तो कहें हम उनका न्याय मिले कि चाहे फांसी का ऑर्डर। ये उनके पिता हैं ये न्याय के लिए दर दर के ठोकरे खा रहे हैं ये बोल रहे हैं कि न्याय नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ये बोल रहे हैं न्याय मिलना चाहिए। हालांकि बिहार है तो बिहार में ऐसे तो घटना हमेशा देखने को मिलती ही रहा है लेकिन इसी बीच एक घटना हुआ है और उसमें चाचा बोल रहे हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए और न्याय नहीं मिलेगा तो आप क्या कीजिएगा ये बताइए। सरकार से आप मतलब क्या न्याय के लिए गुहार कर रहे हैं बताइए। न्याय नहीं मिली न्याय ना मिली तो हमने के पूरा परिवार हमने के 2 गो बचल बन सन जहर खा के सब कोई मर जाए। कितने आपके लड़के थे? बस एक है। देखिए इनकी एक ही लड़का थे और वो भी जो लड़का को जो है इनके ससुराल वाले ने जो है गाला दाब करके जो है मार दिया। जन लड़का मरल बा लड़का का 2 गो बच्चा देखिए एगो हेदे बा देखिए और कितनी बेरहमी तरीका से जो उनको मारा गया उनका हालांकि 2 बच्चा भी है जो अभी बच्चा इनके फुआ के अपनी गोद में भी है और कितना दरिंदा मतलब उसकी मैंने जितना भी हम मतलब अब क्या बोले उसको अब बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है वो कितना घटिया इंसान है सबकी 2 बच्चा होने के बावजूद भी जो उसको जो है मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि इनकी एक ही बच्चा है अब इनकी माँ के जो दिल पे क्या गुजर रहा है आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे तमाम ग्रामीण लोग हैं तो हम ग्रामीण से भी कुछ बात करना चाहेंगे। चाचा हमने के बिहार के स्थानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाड़न और उनका रिजिन में जौन जे बासन घाटा हमने के बिहार में आए दिन देखे के मिलता और वो चाचा के एक लड़का रही है और वहाँ के ससुराल वाले जो बा दाब के गला मार दहल गिल बटे क्या कहे मैं पर कहल का दिया नीतीश बाड़न से साफ पैया बाड़न कोई खोजी पूछी नहीं खन कर थाना जौन बा घूस पर बिका ज्यादा कोई गरीब के सहारा देवे वाला पुलिस दरोगा नहीं खे ऐसे जब घटना भैला पर लग ही बा खबर दिया ज़्यादा 4 घंटा के बाद आ गोइल कहत के बा ठीक है लाश उठाइए अब सलट लेगा ए बहन चोद का सलटेगा आपको। अगर ऐसा घटना अगर प्रशासन के घर में अगर हो जाएगा तो प्रशासन क्या ऐसे करेगी? तो प्रशासन क्या कर प्रशासन तो उड़ा दी लोग है जब ओकरा घर घटना ही हुई तो गरीब के आदमी के कोई पूछनिहार नहीं है। हालांकि गरीब का कहीं भी कोनो आर नहीं गरीब का कहीं आर नहीं है चाचा बात जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। हालांकि अगर ऐसा घटना अगर गरीब नहीं होते धनी मनी अगर होते तो शायद इनके साथ ऐसा नहीं होता अगर हुआ भी होता ना तो शायद उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो गया होता अभी तक। और यहाँ पे तमाम ग्रामीण लोग और भैया जो घटना हुआ है बहुत बेरहमी तरीके से जो उनका हत्या कर दिया गया है अभी तक जो है प्रशासन इस पे नहीं कोई एक्शन नहीं ले रहा है प्रशासन बिका हुआ है। ऐसे प्रशासन को आप क्या कहेंगे क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे प्रशासन का यही कहेंगे जो जूता उठा कर मारना चाहिए जब उसको घटना आंखी के सामने दिख रहा है द्वार पर बड़ी सुलाया है कोई नहीं देख रहा है। अभी हम एक ही गुहार करेंगे जो उसको जितना फैमिली है जो जो इसमें शामिल है उसको सीधा फांसी की सजा होना चाहिए।
उस सबको न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? देखिए तमाम ग्रामीण लोग है और इनकी एक ही लड़का थे और इनका जो हत्या कर दिया गया है और न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अभी तक इनको जो न्याय नहीं मिल रहा है। अब प्रशासन जो है घूस लेकर के बिक गया है। ऐसे ऐसे प्रशासन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कमेंट में थोड़ा बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।